हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को पंचकुला पुलिस मुख्यालय पर पुलिस विभाग की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक के बाद प्रदेश की पुलिस महकमे में पूरी तरह बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि वे पुलिस के प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट हैं, फिर भी पुलिस को राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस फोर्स तथा मोबाइल फोरेंसिक यूनिट को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इससे आपराधिक गतिविधियों की आधुनिक तरीकों से जांच की जाएगी और अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाने में सहायता मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस द्वारा जनता की शिकायतों का भी समय पर निपटान करना होगा, अन्यथा शिकायत के सुलझाने में देरी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया हुआ है, जो कि ऐसी शिकायतों को मुख्यालय स्तर पर निपटारा कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं गृह मंत्री अनिल विज ने आगे क्या कहा। थानों को भी जो सारे टूटे फूटे हैं, जहां जहां पर टूटे फूटे हैं, उनको अपडेट करने के लिए प्रयास किए जाएं, उसका बजट बनाया जाए। और मैंने विश्वास दिलाया है कि मैं सरकार से उसका बजट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि उनके लिए अच्छे थाने बनाए जा सकें। रेजिडेंस के लिए भी, उसके लिए हुडको से लोन की प्रक्रिया चल रही है। हुडको से लोन लेकर पुलिस कर्मचारियों के लिए जहाँ जहाँ पर, और ये भी हमने कहा है कि शहरों के नज़दीक, ताकि उनके बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर सकें, स्वास्थ्य की सेवाएं भी उठा सकें, जंगल में जाके ना बना दिए जाएं, जैसा पिछली सरकारों में कहीं पर हुआ है कि जंगल में जाके बना दिए गए। ऐसा नहीं, अच्छी जगह पर, अगर जगह लेनी भी पड़े तो जगह खरीद कर भी अच्छे स्थान पर उसको बनाया जाए। एक डायल 100 योजना है, डायल 100, उसका सेंट्रलाइज्ड ऑफिस पंचकुला में बन रहा है। हर थाने में 2 व्हीकल ऐड होंगे, वो 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ्स डायल 100 को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, ताकि कहीं पर भी अगर किसी को कोई आवश्यकता, दिक्कत, कठिनाई आती है तो तुरंत उसके पास पुलिस पहुंच सके। आज पहली बैठक है, थोड़ा समझाया है, और पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगा। ये एज ए फ्रेंडली पुलिस काम करेगी, और हमारा कोशिश रहेगी कि जो पेंडेंसी है केसेस की, जो पेंडेंसी है जितनी भी है सोल्व करने की, उनको तुरंत उसमें तेजी लाई जाए। और सारा स्टाफ जहाँ पर भी है, जिस भी लेवल पर वो केसेस पेंडिंग है उनके पास, वो उनको सोल्व करे। और हमारे पास, जिस दिन से मैं होम मिनिस्टर बना हूँ, मेरे पास शिकायतों की बाढ़ लग गई है, बाढ़ आ गई है। मेरा ईमेल सारा भर गया है, और मेरे घर पर और मेरे दफ्तर पर दरखास्तें देने वालों की लाइन लग गई है। उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि हम हर शिकायतकर्ता को इंसाफ दिलाएंगे, उसके साथ साथ अगर उसमें किसी की ढिलाई हुई है, अगर किसी ने उसमें कोताही बरती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई जानबूझ के किसी के केस को डिले कर रहा है, जैसा मैंने कुछ केसेस में देखा है, तो उसको भी हम करेंगे। हर आदमी को इंसाफ मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। धन्यवाद। आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मेरी पहली बैठक हुई है, और जिसमें मैंने जानने की कोशिश की है
कि ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, कौन कौन से अधिकारी किस किस काम को देख रहे हैं, कौन क्राइम को देख रहा है, कौन लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है, कौन क्राइम अगेंस्ट वुमन को देख रहा है, कौन मॉडर्नाइजेशन को देख रहा है, तो सभी ने अपने अपने विभाग की विस्तार से मुझे जानकारी दी है। और मैं जो जानकारी मुझे दी गई है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके साथ इसको और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं कि पुलिस को पूरी तरह से इसकी मॉडर्नाइजेशन की जानी चाहिए। हर जिले में वेल इक्विप्ड हमारी यूनिट होनी चाहिए जो सीन ऑफ क्राइम का अत्याधुनिक साइंटिफिक तरीकों से मौके पर पहुंचकर उनका अनुसंधान कर सके। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा एक सीरियल आया करता था CID, जिस प्रकार का उसमें दिखाया जाता था वैसा थाना मैं हर ज़िले में चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए कि संसार के किसी भी कोने से जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसको हासिल किया जाए और हमारी फोर्स को अत्याधुनिक किया जाए ताकि क्राइम का कन्विक्शन रेट जो आज लगभग 50% से नीचे है उसको और अधिक बढ़ाया जा सके। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।